सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं ज़फर का पुरखलूस सलाम। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो बरसगीर की मारूफ पस पर्दा गुलुकारा लता मंगेशकर के सदाबहार नगमात और उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर मबनी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं उनकी गुलुकारी शख्सियत और हालात ज़िंदगी पर। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाने से कब्ल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। भारत की मशहूर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर भारत में पैदा हुई। उनके वालिद दीना नाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे, चुनाचे वो शुरू से ही गुलकारी की तरफ माइल थी। वो 1974 से 1991 तक गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर शामिल रहीं। गिनीस बुक के मुताबिक वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा थीं। 6 फरवरी 2022 को कोरोना के सबब 92 बरस की उम्र में दुनिया से कूच करने वाली लता जी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं। मीना खडेकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हरिदे नाथ मंगेशकर उनके बहन भाइयों में शामिल थे। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर ने कई दहाइयों तवील करियर के दौरान हजारों गीत गाए जिनमें से बेशतर को सदाबहार करार दिया जाता है। दरहकीकत इन सदाबहार गानों की गिनती भी मुमकिन नहीं, बल्कि हर एक की इस हवाले से अपनी पसंद हो सकती है। मगर उनके कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें आइकॉनिक करार दिया जाता है, जैसे फिल्म मुगले आजम का ये गाना। इफेक्ट पैदा करने के लिए उन्हें बाथरूम में गाना पड़ा। इसी तरह रंग दे पसंदी का ये गाना के दौरान वो 8 घंटे तक खड़ी रही। लता मंगेशकर ने 7 दहाइयों तक भारतीय फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनका 1940 की दहाई में शुरू होने वाला करियर 2010 तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की तकरीबन तमाम टॉप हीरोइंस के लिए प्लेबैक गुलकारी की। लता मंगेशकर ने अपने तवील करियर में लातादात ऐसे गीत गाए जिन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया और सुनने वालों ने उन्हें बेहद पसंद किया, और ये सदाबहार गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। उनके बेशतर गाने ऐसे हैं जिनकी मकबूलियत आज भी कम ना हो सकी, और नौजवान हों या बड़े सभी उन्हें सुनना पसंद करते हैं। ऐसे ही चंद फिल्मी गीतों पर नज़र डालते हैं जिन्हें सुनकर आज भी लता मंगेशकर के मद्दा उनकी मधुर आवाज़ के सहर में खो जाते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। 90 की दहाई की कामयाब तरीन फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में लता मंगेशकर के एक या दो नहीं बल्कि मजमू तौर पर 4 गाने शामिल थे। ताहम सुनने वालों को फिल्म का ये गीत इतना पसंद आया कि 28 बरस गुजरने के बाद भी ये नए जैसा ही लगता है। नई सदी की शुरुआत भी लता मंगेशकर के हिट गानों में से हुई। फिल्म मोहब्बतें में जहां कई नए अदाकारों को बतौर हीरो या हीरोइन काम करने का मौका मिला, वहीं साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर लता की आवाज खूब जची। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। जब भी लता मंगेशकर के यादगार गीतों की बात होगी तो इस फिल्म में फिल्म कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक जरूर शामिल होगा। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना। 90 की दहाई में नए गुलकारों की आमद के बावजूद लता मंगेशकर के पास गानों की कमी नहीं थी। राजश्री प्रोडक्शन की फैमिली ड्रामे पर मबनी फिल्म हम आपके हैं कौन में लता माधुरी दीक्षित 1949 में रिलीज होने वाली कमाल अमरोही की फिल्म महल ने लता मंगेशकर को टॉप गुलकारा बनाने में अहम किरदार अदा किया था।
1953 में रिलीज होने वाला ये गाना आज तकरीबन 71 बरस के बाद भी अपने धुन और शायरी की वजह से सभी को याद है। राज कपूर की इस फिल्म में तमाम गाने लता मंगेशकर ही ने गाए। सन 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म चोरी चोरी की रिलीज के वक्त लता मंगेशकर का शुमार भारत की टॉप प्लेबैक सिंगर्स में होने लगा था और इस गाने ने उनकी शोहरत में मजीद इजाफा कर दिया। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली और दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार अदा किया था और अनारकली पर फिल्माए गए 9 के 9 गीत लता मंगेशकर ने गाए थे। मौसिकार शंकर जय किशन का कंपोज किया हुआ यह गीत 6 दहाइयां गुजरने के बावजूद आज भी लोगों को याद है। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो। लता मंगेशकर के बेहतरीन गानों की फहरिस्त हो और फिल्म वो कौन थी का गीत लग जा गले का जिक्र ना हो तो ये फहरिस्त नामुकम्मल तसव्वुर की जाएगी। में रिलीज होने वाली फिल्म गाइड के तमाम ही गाने बेहद मकबूल हुए लेकिन लता का गाया हुआ गीत आज फिर जीने की तमन्ना है आज भी फिल्म की पहचान बना। 1972 में हिदायतकार कमाल अमरोही की फिल्म पाकिजा के तमाम ही गाने मशहूर हुए थे लेकिन इसके गाने चलते चलते को बाकी तमाम गानों पर इसलिए इनफरादी हैसियत हासिल है क्योंकि इसमें लता की आवाज अदाकारा मीना कुमारी की सूरत पर ऐसी जचती है जैसे ये गाना वही गा रही हूँ। इस फिल्म का ये गीत संतोष आनंद ने लिखा था जबकि इसकी धुन लक्ष्मण कांत प्यारे लाल ने तरतीब दी थी। शायर व फिल्म साज गुलजार की फिल्म आंधी की कहानी उस वक्त की भारतीय वज़ीरे आज़म इंदिरा गांधी की अजदवाजी जिंदगी से मुतासिर थी। फिल्म के तमाम गाने आरडी बर्मन ने तरतीब दिए थे जबकि फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी जब इंदिरा गांधी ने मुल्क में एमरजेंसी लगाई हुई थी। जब तक है जाने जहां मैं ना चुंगी। कहते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक फिल्म शोले से पहले और एक शोले के बाद की फिल्म इंडस्ट्री। 1975 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म शोले में लता मंगेशकर हेमा मालिनी की आवाज़ बनी जबकि आरडी बर्मन और आनंद बख्शी की जोड़ी का बनाया हुआ ये साउंड ट्रैक सबको ही याद है। यश चोपड़ा की रोमानवी फिल्म सिलसिला जहां अमिताभ बच्चन जिया बच्चन और रेखा की वजह से याद रखा जाता है वहीं 1981 की इस फिल्म के गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। यूरोप के हसीन बागात में फिल्माया गया ये गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल की वजह से नए नए गुलकारों ने इंडस्ट्री में कदम रखकर उनकी जगह पूर करने की कोशिश शुरू कर दी थी वहीं लता मंगेशकर सबके साथ कामयाब प्यार बनाने में मसरूफ थी। मैंने प्यार किया ने जहां सलमान खान और भाग्यश्री को पहली मरतबा हीरो हीरोइन पेश किया वहीं लता मंगेशकर के कैरियर को भी मजीद तूल देने में अहम किरदार अदा किया। हिदायतकार यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे जब 1991 में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी थी लेकिन फिल्म के गानों की वजह से आज इसे एक क्लासिक फिल्म नाज़रीन हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी बराह करम इसका इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।